सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक स्नैप। तो आज हम करने वाले ग्लोइंग बटरफ्लाई इफेक्ट, वो भी पिक्सार 10 लाइट रूम में। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सो गाइस, हम लाइट रूम में आ गए। लाइट रूम में आने के बाद हमको इसको थोड़ा ब्लैक टोन देना, जिससे हमारी फोटो में अगर हम ग्लोइंग इफेक्ट देंगे तो हमारी फोटो थोड़ा दिक्कत आएगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको इधर एक्सपोजर पे ना सूरज वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और एक्सपोजर को हमको माइनस कर देना। सिंपली इसको हम माइनस कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी हमको माइनस कर देना है, हाईलाइट को भी हमको माइनस कर देना है, हाईलाइट को माइनस कर देंगे और शेडो को हमको प्लस कर देना है। शेडो को हम प्लस कर देंगे गाइस, वाइट एंड ब्लैक को दोनों को हमको माइनस करना है। अभी हम जाते हैं वाइट बैलेंस पे, यहाँ से हमको नीचे वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और हमको वाइब्रेंस को प्लस कर देंगे, हमको 50 या 60 के आसपास कर देना है। एंड आपको सेचुरेशन को भी माइनस करना है और टेम्परेचर को भी माइनस करना है। एंड जाते हैं मिक्स पे, आपको फर्स्ट कलर दिख जाएगा, ल्यूमिनेंस को आपको प्लस करना है गाइस नीचे से। एंड आपको सेचुरेशन को 30 माइनस कर देंगे, 30 या 35 के आसपास करना है। एंड जाते हैं अपने फेस कलर पे, अभी हमको क्या करना है, ल्यूमिनेंस को 67 या 68 के आसपास करना है, हमको ब्राइट चाहिए फेस, तो हमको प्लस करना है, इसको अच्छे से प्लस कर देंगे। एंड हमने सेचुरेशन को माइनस करना है, एंड वो सेचुरेशन को भी हमको माइनस कर देना है। एंड जाते हैं येलो टोन पे, अभी येलो टोन पे जाने के बाद हमको क्या करना है, ल्यूमिनेंस को भी माइनस कर देंगे यहाँ से हम, एंड सेचुरेशन को पूरा माइनस और वो सेचुरेशन को भी पूरा माइनस। एंड ग्रीन टोन पे आते हैं हम और इसको सेचुरेशन को भी पूरा माइनस कर देंगे एंड हुई सिचुएशन को हम यहाँ से प्लस कर देंगे। अभी सेकंड पे आते हैं, इसको भी हम पूरा माइनस कर देंगे सेचुएशन को। अभी सेकंड पे आते हैं हम, इसको भी हम सेचुएशन को थोड़ा माइनस कर देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा कर देंगे। एंड ल्यूमिनस को भी माइनस करना है हमें एंड इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। एंड अभी आते हैं हम स्प्लिट टोन पे, यहाँ से हम जाएंगे क्लैरिटी को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमको डीएच को भी थोड़ा प्लस करना है, थोड़ा फोटो में डार्कनेस आ जाएगी, इसको भी थोड़ा प्लस कर देंगे यहाँ से। एंड वेग्रेंट को कम कर देंगे, वेग्रेंट को हमको इतना कम करना है। अभी हम जाते हैं शार्पनेस पे, शार्पनेस यहाँ से फुल कर देंगे, मतलब मीन्स आपके ऊपर है आप कितना रखना है। मैं यहाँ से रख देता हूँ 40 या 45 के आसपास आपको रखना है। एंड आपको यहाँ से इस पर जाना है, यहाँ से आपको ये ले लेंगे नीचे से, नीचे से कुछ ऐसा मारना है। एंड यहाँ से हमको एक्सप्लोर पर आके ब्लैक कर देंगे ये एरिया, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। अभी हमको जाना है पिक्सार्ट में, तो यहाँ से आपको फोटो सेव करना है, यहाँ से सेव कर लेंगे। सो पिक्सार्ट में भी हम आ गए। पिक्सार्ट में आने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको स्टिकर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमको यहाँ से सर्च करना है गाइस, नियॉन बटरफ्लाई, यहाँ से हम सर्च कर लेंगे नियॉन बटरफ्लाई। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम, आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है गाइस। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगा लेते अच्छे से, इस टाइप से हम लोग लगा लेंगे ये साइज करके, और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे हम यहाँ से, एक और डुप्लीकेट कर लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे हम, इस टाइप से हम यहाँ लगा लेंगे गाइस। एंड इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे इस टाइप से, इसको यहाँ लगा लेंगे। एक और हम ले लेंगे यहाँ से, डुप्लीकेट कर लेंगे, एक यहाँ लगाएंगे पैर के पास, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते। एंड गाइस राइट क्लिक करके आपको ओके करना है।